मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। राहे जुनून जल्द आ रहा है। मेरी माटी मेरी आन है तू। सर बैठो। आपने बुलाया था सर? हाँ, तुमसे जरूरी बात करनी थी। तुम्हारी छुट्टी कितनी बाकी रह गई? कल निकाह है सर मेरी बहन का, मैं परसों इंशाल्लाह चला जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी लीव एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, और अगर चाहो तो मैं तुम्हारी रिप्लेसमेंट भी भिजवा सकता हूँ जोगसियाल। कुछ हुआ सर? अब महकमे में कोई प्रॉब्लम्स, शिकायत? नहीं, महकमे को तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारे इलाके की एलीट को तुमसे बहुत शिकायतें हैं। पीरू शाह का अपने इलाके में बहुत होल्ड है, और होम मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वही इलाका है, और उसने हमारे नाक में दम कर रखा है। जब से तुमने इलाके का चार्ज संभाला है, तुम उसके खिलाफ काम कर रहे हो, जिससे उसकी इलाके में साख मुतासर हो रही है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ, इसीलिए सारा पॉलिटिकल प्रेशर पर्सनली खुद बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर उनकी शिकायतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि सीएम शायद ज़्यादा अरसे तक उनको टॉलरेट ना कर सकें। बेहतर यही होगा कि ये नौबत आने से पहले हम तुम्हें उस इलाके से विड्रॉ करवा लें। मेरे बाद भी तो कोई ऑफिसर वहाँ पोस्ट होगा सर, और अगर पीरल शाह की उससे भी ना बनी तो क्या करेंगे? कानून कब तक ऐसे जागीरदारों के सामने सरेंडर करता रहेगा सर? मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अरसलान तुम एक होनहार ऑफिसर हो, तुमने बहुत आगे तक जाना है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस सियासत की नजर हो जाओ। सर महकमे का हर हुक्म मेरे सर आंखों पर है सर, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, मुझे मेरा टास्क कंप्लीट करने दिया जाए। ओके, एज यू विश ऑफिसर, विश यू गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर भी पीरल साई, ये तरीका ठीक नहीं है। सरदारी लावारस नहीं है, 7 जिलों पर फैली हुई है इनके पुरखों की विरासत। उनसे कोई गलती हो भी गई थी तो हमसे बात करनी चाहिए थी। हाँ ठीक बात है, और जुलेखा के वारिस भी नहीं मर गए। और आखिर यहां चल क्या रहा है? सुना है तुमने किसी नीच जात लड़की को हवेली में डाल दिया है, और ये सारा हंगामा उसी कमजात का खड़ा किया हुआ है। लाहौल वाला कुआ था इल्ला बिल्ला। निकाह किया है मैंने उससे, बीवी है वो मेरी, सरदारी बेगम और जुलेखा की तरह इस हवेली की इज्जत है। मेरी पंजों से दरख्वास्त है कि मेरी मनकुआ का नाम इज्जत से ले। होश कर पीरल, एक कम जात को हवेली की बाइज्जत बेगमात के साथ मिला रहा है तू, और उसकी औकात क्या है? जिंदा रहे मर जाए किसी को क्या फर्क पड़ता है भला? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। मेरे बच्चे की मां बनने वाली है वो। मतलब न्याय वारिस लाने का बंदोबस्त कर लिया है तुमने? वो
वारिस बनने की शराइत अच्छी तरह जानता हूं मैं। विरासत को बीच में ना लाए बुजुर्गो तो बेहतर है। हवेली का वारिस मीर अली होगा। जब तक वो लड़की हवेली में है ये सवाल तो उठते रहेंगे। पीरल जल्द निकाल बाहर करो उस लड़की को हवेली से। आप लोगों ने शायद सुना नहीं, वो मेरी घरवाली है और मुझे अपने घर के मामलात में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। सोच ले पीरल, ये तो फिर जरगे और बरादरी से टक्कर लेने वाली बात है। पीरल अपना जिरगा खुद चलाता है और अपनी बरादरी भी खुद है। जुलेखा और सरदारी बेगम को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि नूरी को कबूल किए बगैर अब उनके पास कोई चारा नहीं है। ये बात जितनी जल्दी वो समझ लें उतना ही बेहतर है उन दोनों के लिए। खबर लाया है या वही पुराना राग सुनाएगा? ससी अब घर से बहुत कम निकलती है मेरल साईं, और अगर निकले भी तो उस एएसपी का कोई ना कोई चमचा पुलिस वाला उसके साथ होता है। लगता है उसे शक हो गया है। शक नहीं, मैं चाहता हूं उसे यकीन हो जाए कि मेरल जब चाहे जैसे चाहे उसे शिकरे की तरह दबोच सकता है। उसकी आंखों में लरस्ता खौफ देखना चाहता। वो खौफ जो शिकरे के हमले के वक्त कमजोर बेबस चिड़िया की आंखों में होता है। तुसा हुक्म करो साईं जी, रात को उनकी दीवार टपते को जागिन सुन। आ ना भाई, ये काम करना होता तो मीरल कब का कर चुका होता। ये बाबा साईं ने मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं और ऊपर से इलेक्शन भी नहीं होके दे रहा। मुझे नहीं पता था इलेक्शन नाम की बीमारी सरदार और वडेरे को इतना कमजोर कर देती। और ऊपर से ये पुलिस वाला कबाब में हड्डी बना हुआ है। इलाके में बड़ी बातें हो रही हैं मेरल साईं, और अगर यही हालात रहे तो यही दो दो टके के लोग कल को हमारे मुंह को आएंगे। यही बात समझा समझा कर थक गया हूं बाबा साईं को, लेकिन मेरा बाप समझता ही नहीं। शायद बुढ़ापे के साथ साथ सोचने समझने की सलाहियत भी बुढ़ी हो जाती है। और वो कहते हैं ना, जब जंगल का शेर बुढ़ा हो जाए तो गीदड़ उसे घेर लेते हैं। फिर आपने क्या सोचा है मेरल साईं? सोचा है, सब सोचा है। इधर बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। फिर जंगल की बादशाहत भी मीरल की होगी। और रही बात उस चुड़िया की, तो बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि सस्सी का पुन्नू तो मैं ही हूं। गुंगे ख्याल तो रखता है ना? शाबाश।
जालमो, लोगड़ी के लिए खोल दो, बस कर दो। खुदा के लिए खोल दो, मेरा दिमाग फट जाएगा। कोई है? खुदा के लिए खोल दो। बस कर दो जालिमो, खुदा के लिए दो घड़ी के लिए कमर लगाने दो। चाहता तो मैं भी यही हूं मुख्तार कि तुम सारी रात आराम से सो के गुजारो, मगर तुमने खुद अपनी जिंदगी आजाब में डाली। एक बात याद रखना, पुलिस कभी थकती नहीं, मगर पुलिस के आगे बड़े बड़े पत्थर थक कर बोल पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं अपने सारे जुर्म कबूल करने को तैयार हूं। इकबाल को मैंने उठाया, असलम के कत्ल में भी मैं शरीक था, शौकत को भी स्टेशन से मैं ही उठा कर लाया। ये सब बातें तो हम भी जानते हैं मुख्तार, लेकिन तेरा असल बयान तो तब रिकॉर्ड होगा जब तू हमें ये बताएगा कि तूने ये सब किसके कहने पर किया। इकबाल और शौकत अब कहाँ हैं? जिंदा भी है या उन्हें भी मार दिया? और अगर मार दिया तो उन्हें मारने वाला सरगना कौन है? बयान देने का मतलब है मैंने अपनी कब्र खुद खोद ली, वो मुझे मार देंगे। बयान ना देने की सूरत में भी तुम बचोगे तो नहीं, क्योंकि ये सारे जुर्म तुम्हारे खाते में जाएंगे। अलबत्ता अगर तुम हमें सच बता देते हो तो हम तुम्हें सुल्तानी गवाह बना सकते, कम से कम तुम्हारी जिंदगी तो बच जाएगी। मीरल और पीरल साईं से इस इलाके में कौन बचा है? वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम अगर चाहो तो हम तुम्हें जेल से किसी नामालूम मकाम पर भी मुंतकिल कर सकते हैं, जब तक ये केस चल रहा है तुम वहां पर रूपोश रह सकते हो। ठीक ठीक, कागज पेन से लाओ, मैं लिख सा, रस्सी खोल दो। खुदा के लिए मेरे बुलाने पर आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। You're welcome, उस्तानी जी। बच्चे आपके आने से बहुत खुश हैं। सिर्फ बच्चे? बाबा साईं, कुछ तो बताएं, आपने क्या सोचा है? दो दिन बाद उसे अदालत में पेश कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने। मुख्तारे का रिमांड खत्म हो गया? सारी जिंद साड़ी बाहर जी सरकार, खत्म हो गया। कहीं शोरपोट से बंदा आया है, कालू माशकी नाम बताता है, भेज दे उसे अंदर। सरकार, ये कालो माश की वही बंदा नहीं है जिसकी आपने नौकरी लगवाई थी वो पानी भरने वाले काम पे? कालो माश की, तुम दोनों के हर सवाल का जवाब है।
गुलाम हाजिर है बड़े साईं। आपने याद किया मेरे नसीब जाग गए। कैसा है कालू, दमखम है बाजू में या जवानी रेत कर दी शोरकोट की गलियों में पानी भरते भरते? आप हुक्म करें साईं। कालू आज भी खड़े खड़े बंदा रेत में दबा सकता है आपकी खातिर। शाबाश, मर्द का बच्चा है तू। ये बता, शोरकोट के थाने में भी पानी भरता है ना तू? जी सही, वो थाना भी मेरे इलाके में आता है सही। बस तो फिर समझ ले, किसी की प्यास बुझानी है उस थाने में। हमेशा के लिए इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, समझ गया ना? समझ गया साईं, समझो काम हो गया। सर जी, ये खामोशी मुझे किसी बड़े तूफान की आमद लग रही है। सही कह रहा है शरीफ है, शोरकोट में बड़ी कोई खिचड़ी पक रही है। पर जानता है ना वो थानेदार रमजान को, तू बड़ा खुन्ना है, बड़ा एक भाई खुन्ना है, अंदर की बात बाहर नहीं आने देता। सर जी, अंदर की बात तो ये भी है कि थानेदार रमजान ने मुख्तारे को तोड़ डाला, बर्दाश्त जवाब दे दी है मुख्तारे की। यहाँ तो फिर भी हम दूसरों से छुप छुपा कर उसको रात को आराम करने का मौका दे देते थे, वहां तो उस जल्लाद थानेदार ने उसका तेल निकाल दिया होगा जनाब। हाँ सही कह रहा है तू, और वो है ना दूसरा चमचा, वो सब इंस्पेक्टर असगर, वो भी अपने बड़े कोई नंबर बनाने में लगा हुआ है। ऐसे देखना, छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं जानते नहीं है मुझे। ओए गुड्डू, ओए इसको कहां से पकड़ के ले आया तू है? जनाब थानेदारनी जी का बुलावा आया था, कह रही थी गुड्डू बहुत तंग कर रहा है, इसे इसके अब्बा से मिलवा लो। चल ठीक है तू जा। जी जनाब। ओए मां को तंग करता है। अब्बा मैं जब थानेदार बन जाऊंगा हैं तो बड़े साहब की तरह स्कूटर पे बाजार का चक्कर लगाऊंगा। चुप कर, तेरे पियो का स्कूटर है। ये क्या कह रहा है जनाब? कुछ नहीं यार, वो अपने एसपी साहब को फटपटी पे देख लिया उसने, उस दिन से फेड़े नहीं टीली पीछ भागे ना, बैं बैं घूमता फिरता है पुलिस मार के। चल भाग इधर से, चल लेके जाओ इसे घर छोड़ के वापस। ना तू क्यों हंस रहा है? सॉरी सर।
तुम दोनों क्या समझती थी? अपने अपने खानदान के बुजुर्गों का जिरगा बुलाकर पीरल को अपने कदमों में झुका लोगी? पीरल की हवेली में जिरगा भी पीरल की मर्जी से चलता है। साईं, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दें, आइंदा आप कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये बात हवेली से बाहर निकाले जाने की धमकी देने से पहले की होती तो बात यहां तक ना पहुंचती। और तुम सरदारी बेगम सबसे बड़ी हो, तुम्हें इसे समझाना चाहिए था, उल्टा तुम इसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें रचा रही हो। साईं, अपने ऊपर 100 कण कौन बर्दाश्त करता है, और 100 कण भी कैसी छोटे खानदान की कमी कमी। तोहीन है हमारी। तुम्हें उसके सौत होने पे एतराज है या निचली जात की होने पे? दोनों पे। ठीक, तो फैसला तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे बड़ों को कह दिया है कि जुलेखा अगर जाना चाहे अपने घर तो आज ही जा सकती है। तुम्हारा सामान और हक महर तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। तुम्हारी जागीर से ज्यादा ही दूंगा। और हां, आज के बाद तुम दोनों हर लम्हा दुआ करना कि नूरी को एक कांटा भी ना चुभे। क्योंकि अगर उसे कोई हादसा पेश आया या मेरे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो चाहे उसमें तुम दोनों का हाथ हो या ना हो, मैं तुम्हारा ही वार समझूंगा। संतरी, एक बीड़ी तो पहला।
की कमी ना, मेरा कसूर ही नहीं, मेरे पहुंचने तो पहले ही हो मुख्तार है कुछ और को। बस बहुत बहाने सुन लिए मैंने तेरे जानदाद, सच तो ये है कि तू नकारा हो चुका है। अब हमारे तो किसी काम का नहीं रहा, तेरी हालत भी उस कुत्ते की तरह हो चुकी है जो शिकार को देखकर भौंकता तो है मगर हमला नहीं करता। ना को सही बड़ी खिदमत की थी मैं। मुफ्त में नहीं की, पैसे लेता रहा अपनी खिदमत के। तेरे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा मुझे, बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली तूने, अब और नहीं। चल रहे की रोटी का ताना देने से पहले सोच लेना था छोटे साईं। इस जानदाद ने बड़ी बार जान उजड़ने से बचाया तुम्हारा। याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, बस ये एसपी साहब वापस आ जाए तो इसको जोग से मुंतकिल करवाना होगा, वहीं पे इसका बयान रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह। वैसे भी शाम तक एसपी साहब पहुंच जाएंगे, मैंने कुंदन को भेज दिया स्टेशन उन्हें लेने के लिए। वो सरकार, वो क्या हुआ? सरकार जल्दी चले, कह दी तड़प रहा है, पता नहीं क्या हुआ उससे। मुख्तारा क्या हुआ उससे? दरवाजा खोलो जल्दी करो, डिस्पेंसर से डिस्पेंसर वाले को लेके आओ। जाओ 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 जाओ। इसकी नब्ज तो रुक चुकी है। जिस्म भी ठंडा पड़ गया है। जनाब ये तो मर चुका है। हाँ शरीफ जनाब, बड़ी तश्वीशनाक खबर लाया हूँ। हाँ, मुख्तारे को शोरकोट थाने में किसी ने जहर दे दिया। जींदा मर गया। मुख्तारा मर गया जनाब। ओ कार पोए, अभी कोई हाल नहीं। साड़ी जिंद साड़ी बहार, सरकार कालू माशकी ने अपना काम दिखा दिया। मुख्तारे को हमेशा के लिए चुप करा दिया, अब कभी नहीं बोलेगा वो।
ऐ कीती है काल दिल खुश कर दिया धनी बख्श। वो कहते हैं ना बाबा साईं, सौ सोनार की और एक लोहार की। हाँ। और लोहार के हथौड़े की यह सर्प कभी नहीं भूलेगी इस पुलिस वाले को। ये बात। हाँ। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आ तो गया है पहाड़ के नीचे, लेकिन अब कभी निकल नहीं पाएगा। मेरा एक ही सवाल है रमजान, ये सब हुआ कैसे? मैं कैदी को तुम्हारी तहवील में देखे गया था रमजान, जमानत ली थी तुमने उसकी हिफाजत की, फिर ये कैसे हो गया? हमने पूरी जिम्मेदारी से हिफाजत की आपकी इमानत की जनाब, मगर पता नहीं कब कैसे गफलत हो गई। और तुम लोग कैसे गाफिल हो गए? असगर तुम लोगों की नाक के नीचे कोई इतनी बड़ी कार्रवाई कर गया है और तुम लोग गाफिल सोते रहे हो, बोलो। जनाब किसी अंदर के बंदे का काम लगता है, वरना हमने तो बाहर से यहाँ अंदर थाने में एक चिड़िया को पड़ भी नहीं मारने दिया। मसला ये नहीं है कि ये काम किसका इसकर, असल मुद्दा ये है कि ये हुआ कैसे। बंदा अंदर का हो या बाहर से कोई आया हो, तुम लोगों की नाक के नीचे कोई इतनी बड़ी कार्रवाई कर गया, तुम लोगों की नजर चूकी कैसे? थे कहाँ तुम लोग? हम रात भर उससे सारी तफ्तीश करते रहे, मुख्तारा तो अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हो चुका था, उनके कच्चा बयान तो दे भी दिया था, मगर फिर भी सर। मगर फिर भी क्या रमजान, फिर भी क्या? इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तारे को जहर देकर मारा गया, तफसील तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगी। वो जो हिफाजत पे संतरी था उससे की तफ्तीश तुम लोगों ने, क्या कहता है वो? जी सर, मुख्तारे की फरमाइश पे संतरी ने उसको एक बीड़ी दी थी, उस बीड़ी के पैकेट से उसने खुद भी दो बीड़ियां पी, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। मैंने बीड़ी का पैकेट कब्जे में लेके मुआयने के लिए भेज दिया, मगर सर मुझे नहीं लगता कि मुख्तारे की मौत बीड़ी पीने की वजह से हुई। बाहर से कोई आया है हवालात में? नहीं सर, सिवाय कालू माशकी के कोई, यहीं काम करता है बहुत सालों से, पानी भरता है थाने का, फिर भी मैंने सिपाहियों को उसके घर भेजा उसको बुलाने के लिए। जनाब हम कालू माशकी को लेने उसके घर गए, उसके घर को ताला लगा हुआ था, हमसाया ने बताया दिन में सामान बांध कर कहीं चला गया। मेरी मट्टी